अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, ताज़ा तरीन मौसमी सूरत हाल के साथ मैं नज़ीर चकसरी आपकी खिदमत में हाजिर। वादी कश्मीर में इस वक्त ज़री सरगर्मियां अरूज पर है। मेवाजात की उतराई के साथ साथ दीगर फसलों की कटाई जारी है। इसी बीच महकमा मौसमियात ने पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिशों की पेशनगोई की। मज़ीद तफसीलात के साथ हमारे साथ मौजूद है महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस। सोनम साहब, ऑनलाइन प्रोग्राम मैं आपका खैर मकदम। शुक्रिया जनाब। सोनम साहब, वादी कश्मीर में इस वक्त जरी सरगर्मियां उरूज पर है, क्या मौसम में किसी तब्दीली का कोई इम्कान है? अभी तो मौसम भी जैसे था, अभी पेशन हुई, आज मौसम ठीक रहा है, अभी भी ठीक है, लेकिन आज देर रात यानी लेट नाइट से बादल चढ़ने का इम्कान है जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, खास करके नॉर्दर्न पार्ट में, जम्मू कश्मीर के भी, खास कश्मीर के एक्सट्रीम नॉर्थ और लद्दाख के नॉर्थ वेस्ट साइड में ऐसा ऐसा बादल चढ़ने का इम्कान है। इसके बाद कुल मिला के 14 से लेके 17 तारीख तक जम्मू कश्मीर के काफी सारे मतलब ऑलमोस्ट हर जगह पे दरमियान हल्की से लेके दरमियान दर्जे की बारिश पड़ने का इम्कान है और पहाड़ी इलाकों में बर्फ का इम्कान है। सोनम साहब, 14 तारीख से 17 तारीख तक मैदानी इलाकों में भी बारिशों का इम्कान है? बिल्कुल, मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में बर्फ का इम्कान है, कई जगहों पे हेवी स्नोफॉल भी होने का इम्कान है। सोनम साहब, किसान भाइयों और कौमी शहरा पर सफर करने वालों के लिए क्या पैगाम है? जी, कौमी शहरों पे जो जाते हैं उनको ये इतला दी जाती है 14 से लेके 17 तारीख तक क्योंकि बारिश और बर्फ का इम्कान है, तो थोड़ा सावधान रहिए। अब जब अगर क्योंकि रास्ता बंद भी हो सकता है थोड़ी देर के लिए, पर ये होगा हम कह नहीं सकते, पॉसिबिलिटीज है। इसके बाद जो है जो भगवान को जैसे हमारे किसान भाइयों को एक चेतावनी हम देते हैं कि अभी वैसे तो बर्फ का मेरा इलाकों में बर्फ का चांसेस कम, अगर होगा तो भी ज्यादा बर्फ नहीं होगा, थोड़ा बहुत हो भी सकता है, खास करके 16-17 को, क्योंकि कंटिन्यूस अगर बारिश हो जाएगा तो फिर टेम्परेचर भी लो सकते हैं, लेकिन अभी लगता नहीं है, अभी हम फिर अपडेट करते रहेंगे। सोनम साहब, 17 अक्टूबर से फिर मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है? जी, 18 से आमतौर पर आज तक मौसम ठीक रहने का इम्कान है, वहां भीड़ में थोड़ा क्लाउडी तो रहेगा। सोनम साहब, ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मौसम के हवाले से बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सोनम लोटस। दीजिए अपने मेजबान नज़ीर चकसरी को इजाजत। खुदा हाफिज़।